हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मचमोर में। आज का वीडियो है और एक प्रोडक्ट रिव्यू को लेकर। आपको पता ही है कि होम एंड मचमोर में आपको मैं बहुत सारे होम किचन रिलेटेड टॉपिक्स दिखाती हूँ और साथ ही में हम प्रोडक्ट रिव्यू भी देखते हैं। हम जानते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है और उसे यूज़ कैसे करना है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिटेल्स अगारो रीजेंसी मल्टी कुक केटल की। ये एक परफेक्ट केटल है स्टूडेंट्स एंड बैचलर्स के लिए जिनके पास एक फुल्ली इक्विप्ड किचन या फिर इंडक्शन अवेलेबल नहीं होता है। तो जब बहुत सारी क्रेविंग होती है और हर बार बाहर का खाना नहीं खा सकते, तब इस केटल में आप काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। साथ ही में ये केटल ट्रैवल फ्रेंडली भी है। हम खुद राहिन्ने के लिए कुछ बनाने के लिए इसे हमेशा अपने साथ कैरी करते हैं जब भी कहीं घूमने जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगारो रीजेंसी मल्टी कुक केटल, मल्टी कुक केटल है यानी इसमें आप सिर्फ बॉयलिंग नहीं, आप इसमें मल्टीपल चीज़ें बना सकते हैं। वेरिएबल टेम्परेचर कंट्रोल और 600 वॉट की इसकी पावर है। इसके साथ आपको काफ़ी सारी एक्सेसरीज मिलती है जो हम देखेंगे। सबसे पहला है ये स्टीमर पॉट या स्टीमर बास्केट जो कि है स्टेनलेस स्टील की। इसके हैंडल की अच्छी ग्रिप है जिससे आप आसानी से इसे उठा सकते हैं और रख सकते हैं। देखते हैं इसका स्टीमर पॉट। स्टीमर पॉट की कैपेसिटी है 0.92 लीटर और साथ में आपको मिलता है कांच का ढक्कन जो आप नॉर्मल केटल के ऊपर और स्टीमर दोनों के ऊपर लगा सकते हैं। केटल का वाइड माउथ होने की वजह से इसमें खाना बनाना, पोर करना, इसकी सफाई करना काफ़ी आसान हो जाता है। अब देखते हैं इसका इनर पॉट। ये 1.2 लीटर कैपेसिटी का है, फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बना हुआ। अंदर आपको एक मिनिमम और मैक्सिमम की भी मार्किंग दिख जाएगी जिसे आप प्रेफर कर सकते हैं इसमें कुछ भी बनाते समय। इनर पॉट और स्टीमर दोनों ही अच्छी क्वालिटी के स्टील से बनाए गए हैं। ये है 304 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील। केटल का पावर बेस डिटैचेबल है और 360 डिग्री स्वेवेल के साथ आता है, यानी आपको पावर केबल घुमाने के लिए पूरी केटल घुमाने की जरूरत नहीं है। इसमें वेरिएबल टेम्परेचर कंट्रोल है जिसके लिए नॉब दिया गया है, तो आप मेन पावर बटन की बजाय यहाँ से भी केटल को ऑफ कर सकते हैं और जो दो लेवल के इसमें टेम्परेचर कंट्रोल दिए गए हैं उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। आउटर बॉडी बहुत ही अच्छे क्वालिटी के प्लास्टिक की है और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत यूनिक और स्टाइलिश है। ये है इसकी पावर केबल। अब देखते हैं केटल के साथ आई गई एक्सेसरीज। तो ये है स्टेनलेस स्टील का ग्रिल रैक। अगर आपको कोई चीज़ स्टीम करनी है, आपको केटल में एलिवेट करनी है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ में है ये प्लास्टिक बोल। इस प्लास्टिक बोल में भी आप स्टीमिंग कर सकते हैं, मतलब अगर आपको कुछ बनाना है जैसे कि केक, ढोकला, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये एग बॉइलिंग रैक। एग बॉइलिंग रैक में आप एग्स बॉयल कर सकते हैं एक समय पर 6। इसमें जो बीच में यहाँ पर एक हैंडल दिया गया है इसे भी आप रिमूव कर सकते हैं ताकि इसे आसानी से स्टोर किया जा सके। एग बॉइलिंग रैक को आप इस तरह से केटल में रख सकते हैं पानी के साथ और एग्स को प्लेस करें और इन्हें बॉयल करें। साथ ही में अगर आपको ग्रिल रैक यूज़ करनी है तो आप ग्रिल रैक को इस तरह से रखें, पानी डालें केटल में और जो आपको स्टीम करना है वो कर सकते हैं, और इसी ग्रिल रैक के ऊपर आप इस प्लास्टिक के बोल को रख के भी स्टीमिंग कर सकते हैं अगर आप स्टीमर बास्केट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। स्टूडेंट्स एंड बैचलर्स जिन्हें कुछ अलग खाने की इच्छा हो जाती है पर किचन नहीं है, इंडक्शन नहीं है, उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। प्लेन नूडल्स यानी इंस्टेंट नूडल्स बनाने की बजाय आप इसमें चाउमीन, हक्का नूडल्स भी बना सकते हैं। तो इसमें पानी डालें और नूडल्स को बॉयल कर लें और उसके बाद जिस तरह से नूडल्स में से हम पानी निकालते हैं चलनी में डाल के, वैसे आप पानी निकाल दें। तड़का लगाने के लिए केटल में डालें थोड़ा सा तेल और इसके बाद डालें आप इसमें अदरक, लहसुन, प्याज, सब्जियां, हरी मिर्च, सारे सॉसेस। अब ये जो केटल्स होती है ये ऑटोमेटिक शटडाउन यानी ऑटोमेटिक शट ऑफ के साथ आती है। एक टेम्परेचर रीच होने के बाद ये बंद हो जाती है, वापस से शुरू हो जाती है। तो अगर आप नोटिस करते हैं कि ये थोड़ी बंद हो गई है, मतलब ये ख़राब नहीं हुई है, ऐसे में आप थोड़ा सा वेट करें, ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगी और आप जो भी बना रहे हैं वो इसमें बनाना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हक्का नूडल्स बना रही हूँ जहाँ पे हमें सब्जियाँ बहुत ज़्यादा वैसे भी पकानी नहीं पड़ती हैं, और आप क्या कर सकते हैं जल्दी पक जाए सब्जियाँ इसके लिए आप इसका ढक्कन भी लगा सकते हैं। तो मैं कोई सॉस, रेड सॉस यूज़ नहीं कर रही हूँ, रेड चिली सॉस मैंने डाली है पाउडर, और यहाँ पर है सोय सॉस, साथ में थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन। आप चाहें तो कोई और भी मसाला डाल सकते हैं, अगर आप प्रेफर करते हैं अजीनोमोटो खाना तो थोड़ा सा वो भी डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लें, नमक भी पहले ही डालें ताकि अच्छे से सारी चीज़ें इसमें मिल जाएं। नूडल्स को मिक्स करने के लिए आप दो फोक्स यूज़ कर सकते हैं, इससे सारे मसाले एंड सॉसेज नूडल्स में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी इस मल्टी कुक इलेक्ट्रिक केटल में नूडल्स भी बना सकते हैं। अगारो
अगर आप केक बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इस केटल में बना सकते हैं। केक बनाने के लिए केटल में पानी डालें, ग्रिल रैक रखें और इसके साथ आया हुआ प्लास्टिक का मोल्ड आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कोई और कटोरी या मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं जो केटल में फिट हो जाए। स्टीम केक को हमेशा कवर करके स्टीम करना चाहिए ताकि क्रैक्स ना आए। तो एल्युमिनियम फॉइल आप लगा सकते हैं या फिर इसके ऊपर एक प्लेट रख सकते हैं। ग्रिल रैक यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आपका मोल्ड इतना ऊंचा है कि आप स्टीमर बास्केट में रख सकते हैं तो आप उसमें भी स्टीमिंग कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, ऊंचा मोल्ड है तो ग्रिल रैक यूज़ करें, छोटा है तो स्टीमर की बास्केट यूज़ करें। बहुत ही टेस्टी मॉइस्ट केक आप बना सकते हैं। इसे आप थोड़ी सी पाउडर शुगर छिड़क कर चॉको चिप्स के साथ सर्व करें या फिर थोड़ा सा इसके ऊपर चॉकलेट सिरप या फिर गनाश डालकर सर्व करें। कम क्वांटिटी में और झटपट केक बनाने के लिए भी ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। 30-35 मिनट्स में आपका केक अच्छे से पक जाएगा अंदर तक। आप इस केटल में सूप बना सकते हैं, मोमो बना सकते हैं। मैं बना रही हूँ मोमो विद सूप। यहाँ पर मेरे पास फाइनली चॉप्ड वेजिटेबल्स है जैसे कि कैबेज, प्याज, हरा प्याज और थोड़ा सा पालक। अब इसके साथ मैं सूप बना रही हूँ बिल्कुल वैसा जैसे मेरे ऑफिस के पास एक जगह मिलता था। वो मोमो वाले भैया वेज मोमो और साथ में वेज सूप बनाते थे, बहुत ही बढ़िया बनाते थे। और मैंने बातों बातों में पूछा तो एग्जैक्ट रेसिपीज तो ये लोग बताते नहीं है, बट मैं समझ गई। उन्होंने कहा था कि सारी वेजिटेबल्स का जो भी पानी होता है वो निकालते हैं और उसका यूज़ करते हैं सूप बनाने में, और जो बची हुई वेजिटेबल्स होती हैं उनसे वो स्टफिंग बनाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने नमक लगा कर रखा ताकि पानी आसानी से छूट जाए। तो ये पानी हम यूज़ करेंगे वही बिल्कुल मोमो वाले भैया स्टाइल मोमो बनाने के लिए, और स्टफिंग को मैं हल्का सा तड़का लगाऊंगी और फिर यूज़ करूंगी। तो यहाँ पर मैंने हल्की सी कुक कर ली है। अगर आपको क्रंची वाली फीलिंग पसंद है तो आप केवल मसाले मिक्स करके स्टफिंग को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बनाए हैं 6 मोमो। सूप बनाने के लिए बिना कोई तेल वगैरह डाले हमें इसमें बस ये पानी डालना है, यानी जो वेजिटेबल का स्टॉक है, और थोड़ा एक्स्ट्रा पानी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी और शेजवान चटनी। आप कोई भी अच्छी क्वालिटी की शेजवान चटनी डालें और थोड़ी सी काली मिर्च। शेजवान चटनी आप टेस्ट करके अपने हिसाब से और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। नमक डालें, इस सूप में अच्छा उबाल आने दें। उबल उबल के ये सूप बहुत ज़्यादा अच्छा और फ्लेवरफुल बन जाता है। सूप अब उबलने लगा है और इसके ऊपर मैं मोमो स्टीम करूँगी। मैंने अपनी स्टीमर बास्केट में तेल लगा लिया है तो इसे लगभग 12 मिनट में स्टीम करूँगी। ये सूप बहुत अच्छा फ्लेवरफुल बनता है। इसमें कोई भी कॉर्नफ्लावर की स्लरी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो 2-3 दाने इसमें अजीनोमोटो के डाल सकते हैं। तो बिल्कुल वो मोमो वाले भैया स्टाइल यहाँ पर सूप रेडी हो गया है। पत्ता गोभी, पालक और प्याज से बहुत अच्छा टेस्ट इसमें आता है, और हेल्दी तो ये है ही, कोई तेल इसमें हमने डाला नहीं है। इस तरह से बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मोमो घर पर बन सकता है विद सूप। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ चावल। तो चावल के लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पानी। जितना भी आप चावल ले रहे हैं उससे डबल आप पानी डालें। यहाँ पर चावल मैंने थोड़ी देर भिगो कर रखा है। थोड़ा सा घी और नमक, घी से अच्छा खिला खिला चावल बनता है। अगर आप बासमती राइस बना रहे हैं तो आप 1.5 गुना पानी भी ले सकते हैं ताकि चावल जो है और ज़्यादा खिला खिला बने। चावल को हल्का सा आप बीच में स्टर करें, और जब इसमें पानी कम हो जाए तो बहुत ही हल्के से स्टर करें ताकि चावल टूटे ना। जब आपको लग रहा है कि चावल का पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, केटल को 2 मिनट ढककर रखें बंद करके। ऐसा करने से चावल जो है बाकी का पानी भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे और काफ़ी अच्छे बन जाएंगे। इस केटल को धोना भी बहुत आसान है। अगर इसमें ज़्यादा ही तेल या मसाला या फिर खाना चिपक गया है तो आप इसमें पानी डालें और इसमें उबाल आने दें, या फिर आप सीधे थोड़ा सा पानी से इसे क्लीन करें, उसके बाद एक सॉफ्ट स्क्रब और लिक्विड सोप से इसे क्लीन करें। ध्यान रहे जितना हो सके आप इसके नीचे वाले हिस्से में पानी ना जाने दें। थोड़ा बहुत अगर पानी लग जाता है तो पूरी तरह से उसे पोंछें और ड्राई होने के बाद ही दोबारा यूज़ करें। अच्छा स्टील होने की वजह से ये काफ़ी आसानी से क्लीन हो जाती है। इसके साथ जो बाकी की चीज़ें हैं जैसे कि ढक्कन, स्टीमर पॉट, एक्सेसरीज, इन्हें आप नॉर्मल बर्तनों की तरह ही साफ कर सकते हैं। आपको अगारो रीजेंसी मल्टी कुक केटल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मचमोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।